थाना सिकंदरा पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर पकड़ी हरियाणा मार्का की 255 पेटी शराब बरामद हुई है। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि एक अभियुक्त ट्रक सहित गिरफ्तार किया गया है। शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, एसआई शैलेंद्र सिंह, अतुल सिंह, हरीश चौधरी व अन्य शामिल रहे। कितनी शराब पकड़ी, कितने अभियुक्त? थाना सिकंदरा क्षेत्र में 30 सितंबर आज रात को 255 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी। ये हमारे शराब और गांजा पे क्रैकडाउन की सीरीज में तीसरे स्टेप पे दो दिन पहले और शराब पकड़ी थी हमने, और कल 200 किलो गांजा भी पकड़ा था। इसमें ये ट्रक आई थी सोनीपत से और गुजरात की तरफ जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की गई और इसमें आलू और लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था, उसके नीचे ये शराब छुपी हुई थी। तो ये इसमें एक आदमी चालक अरेस्ट हुआ है, उसका नाम है भजन लाल। वांछित उसके मालिक को और जो लोड किया है वो भी वांछित और फरार है। बरामद हुई है उसकी कीमत मार्केट वैल्यू करीब 15 लाख है, और एक ट्रक बरामद हुआ है गुजरात के नंबर का। इसमें हमारी टीम इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, एसएम इंस्पेक्टर शैलेंद्र, कुलदीप, हरीश और अतुल टीम के साथ थे। इनका बड़ा सराहनीय कार्य है। बाकी जो पकड़ा गया है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग टेम्पररी हायर किए जाते हैं ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, लेकिन इस पर पूरी इनकी सप्लाई चेन को हम रोकेंगे और इस पर और आगे कार्रवाई होगी। सर, इसके मालिक वगैरह का पता चला है, कहाँ से माल आ रहा था? ये माल हरियाणा से लाते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम होता है, तो ज्यादातर जो शराब यहाँ पकड़ी जाती है हरियाणा की तरफ से आती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट रूट से अलग पूरे जगह सप्लाई होती है। कुछ बिहार जाती है, पिछली बार पकड़ी गई थी जो बिहार की ओर जा रही थी, ये गुजरात की ओर जा रही थी। तो दीपावली के मद्देनजर शराब इधर से उधर लगातार जा रही है? बिल्कुल, ये हमारा अभियान जारी रहेगा और इस पर बिल्कुल क्रैकडाउन होगा कि हमारे यहाँ थाना क्षेत्र से कोई अवैध शराब कहीं ना जाए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।